हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएड फर्स्ट ईयर अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट अनुशासन और विषयों की समझ। जैसा कि हम लगातार टॉपिक देख रहे हैं विद्यालय पाठ्यक्रम में शासन केंद्रित ज्ञान की भूमिका, तो इसी के अंतर्गत आज हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ नॉलेज, ज्ञान के स्रोत। ज्ञान के जो स्रोत हैं मुख्य चार माने गए हैं, लेकिन छह स्रोतों को भी वरीयता दी जाती है। ज्ञान को जानने के लिए या ज्ञान को जानने के बाद या फिर ज्ञान को पहचानने के बाद ज्ञान के स्रोतों को जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है। तो इसीलिए हम देखेंगे अब ज्ञान के स्रोत कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है सेंसरी एक्सपीरियंस, इंद्रियगत अनुभव हमारे ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। मानव की पांच ज्ञानेंद्रियां कान, नाक, आंख, त्वचा, जीभ, ईयर, नोज, आईज, स्किन एंड टंग आदि ध्वनि, गंध, रंग, ताप तथा रस का ज्ञान कराती हैं या देती हैं, जिन्हें हम इंद्रियानुभव कहते हैं। ज्ञान का एक बहुत बड़ा भाग हमें ज्ञानेंद्रियों से ही प्राप्त होता है, इसीलिए इंद्रियां ज्ञान का स्रोत हैं। जिस ज्ञान की प्राप्ति में अधिक से अधिक इंद्रियां ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है, वह ज्ञान स्थायी तथा पूर्ण होता है। यहाँ पर ये जान लेना आवश्यक होता है, मान लीजिए गिलास में पानी रखा हुआ है, अब या तो उसमें भाप निकल रही हो या ओस उससे निकल रही हो, तब पहचाना जा सकता है या आधार पर कहा जा सकता है। लेकिन अगर किसी से कहा है कि गिलास में कुछ रखा है और उसने देखा नहीं है, तो व्यक्ति नहीं बता सकता कि उसने गर्म पदार्थ है या ठंडा या फिर नॉर्मल पदार्थ रखा हुआ है। तो अगर वह स्पर्श त्वचा से जब स्पर्श करेगा तो उसे गर्म या ठंडे का एहसास होगा, वह वास्तविक ज्ञान कहलाएगा। देखकर अनुभव से बता देगा कि इसमें ठंडा या गर्म है। हो सकता है बाहर से पानी गिर गया हो, इसलिए उसको ऐसा लग रहा हो कि पानी ठंडा है। तो या फिर ग्लास के पीछे से आपको धुआं या भाप जैसा कुछ दिखाई दे रहा हो तो लग सकता है कि पानी गर्म है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति जो ज्ञाता है जानने के लिए उसका स्पर्श करेगा, तो वास्तविक ज्ञान उसको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से आंखों से देख कर हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हैं। किसी वस्तु का आकार कैसा है, रंग कैसा है, उसको हम आंखों से देख कर ही उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से कान का कार्य है सुनना, संगीत है या स्पीच है या किसी अन्य पशु पक्षी की आवाज है या मनुष्य की आवाज है या कुछ गिरने की आवाज है, पानी की आवाज है अथवा बादल गरजने की आवाज है, ये हम कानों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। जीभ के माध्यम से हम खट्टा, मीठा, तीखा आदि अनुभव करते हैं। जब हम स्वतः ही किसी चीज का स्वाद चख करते हैं तो वास्तविकता पता चल जाती है कि सब्जी में मान लीजिए कितना नमक है, कोई चीज किस स्वाद की है, नमकी है, मीठी है। इस प्रकार से यह ज्ञान जो है स्थायी होता है, स्थायी और पूर्ण भी होता है, क्योंकि हमें रियलिटी बिल्कुल ही पता चल जाती है। क्योंकि दूसरा अगर कोई भी चीज खाने पीने की बताता है कि स्वाद में है, तो शायद हमें अनुभव ना हो या उसने गलत बताया हो, तो सत्यता यही होती है कि खुद ही इंद्रियों के माध्यम से अनुभव किए जाए। नेक्स्ट है रीजनिंग, यानी कि तर्क बुद्धि। तर्क ज्ञान का स्रोत है। तर्क में बुद्धि का सहारा लेकर अनुमान लगाया जाता है तथा इस क्रिया से ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्धि का कार्य कल्पना, सोचना, विचारना तथा तर्क देना है। तर्क मानसिक तथा बौद्धिक क्रिया है। इस प्रक्रिया के
के माध्यम से मनुष्य अपना कोई मत बना लेता है या किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए तर्क के लिए अंतर्गत दो विधियां होती हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, निगमन तथा आगमन। निगमन विधि में एक तरह से एग्जाम्पल पहले दे दिए जाते हैं और उसी के आधार पर व्यक्ति कार्य करता है। निगमन तथा आगमन है, आगमन विधि के अंतर्गत अनेक उदाहरणों के अनुभव की सहायता से इनकी जो अनुभव होता है उसके यानी उसके आधार पर जो सामान्यीकरण जनरलाइजेशन किया जाता है। सामान्यीकरण तथ्य का रूप धारण कर लेता है और निगमन विधि इसके बिल्कुल विपरीत है, जिसमें हम सामान्यीकरण से उदाहरण की ओर चलते हैं तथा निकाले गए नियम की सत्यता को परखते हैं, जो नियम बनाया गया है उसकी सत्यता को परखते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, यहाँ फिर से एक बार क्लियर कर देना आवश्यक होता है। आगमन विधि में अनेक उदाहरणों का साधन लिया जाता है, उसमें नियम उदाहरणों के आधार पर निगमन में जो है नियम को परखा जाता है। शब्द अब देखेंगे हम, शब्द तथा या शब्द अथवा आत्मवचन यानी कि बलबल टेस्टिमनी और ऑथोरिटी। आत्मवचन ज्ञान का स्वरूप ना तो बुद्धि है और ना ही इंद्रिय अनुभव। त्रय देखा जाता है कि बहुत सा ज्ञान जो हमारे पास है उसे ना तो इंद्रियों यानी कि जो ज्ञान इंद्रियां हैं ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया गया है तथा ना ही इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुद्धि का प्रयोग किया गया है। हमें ऐसे ज्ञान की प्राप्ति के लिए विशेषज्ञों पर निर्भर रहना पड़ता है। ज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं, जैसे अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ, गणित के विशेषज्ञ, भौतिक विज्ञान के विशेषज्ञ इत्यादि। उदाहरण के लिए ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था अथवा न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया, यानी कि न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। इसलिए ज्ञान भंडार का बहुत बड़ा भाग विशेषज्ञों के कथनों में विश्वास करके प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट सिद्धांत देखेंगे हम, अंतः प्रज्ञा। अंतः प्रज्ञा वह ज्ञान या फिर यह ज्ञान एक तरह की अंतःकरण की आवाज है, मन की आवाज है या हृदय की आवाज है। केवल इसका स्वरूप स्पष्ट नहीं है, यह ज्ञान भी ना तो इंद्रियानुभव तथा ना ही तर्क बुद्धि द्वारा होता है। अतः करण की आवाज या कर्ण की आवाज से एक अलग तरह का अनुभव होता है, जो पांच इंद्रियों के अनुभव से परे का अनुभव है। इसीलिए इस अनुभव को मनुष्य की छठी इंद्रिय से जोड़ दिया गया है। संपूर्णता का बोध अथवा उसकी अनुमति का नाम अंतःक्रिया है। इसको भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने में कठिनाई आती है, इसमें ज्ञाता तथा ज्ञेय दो नहीं रहते। इस अनुभूति में ज्ञाता ज्ञेय में लीन हो जाता है। ऐसे ज्ञान को इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे किसी ने सोचा कि शायद मेरे साथ कोई घटना घटित होने वाली है अथवा ऐसा लगता है कि प्रसन्नता का अवसर आने वाला है, या फिर किसी को एहसास हो जाता है कि मुझे जल्दी ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी अर्थात नौकरी आदि की प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार और वास्तविकता में जब वह बात घटित हो जाती है तो वो अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रयोगात्मक अर्थात एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। इस प्रकार का ज्ञान व्यक्ति वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों यानी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से प्राप्त करता है। ये प्रयोग नियंत्रित स्थिति में किए जाते हैं। इस ज्ञान की पुष्टि अन्य व्यक्तियों द्वारा पुनः प्रयोग करने से की जा सकती है, यानी कि जब कोई भी प्रैक्टिकल किया जाता है तो वैसे ही फिर कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो पुनः प्राप्ति की जा सकती है। इसका तात्पर्य यही है, प्रयोगों द्वारा ही नियम निकाले जाते हैं, क्रिया निकाले जाते हैं। इस प्रकार प्रयोग ज्ञान प्राप्ति के लिए सशक्त विधि है।
साइंस विषय ऐसा है, वैसे सभी ऐसे हैं लगभग, क्योंकि सभी में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन साइंस या मेडिकल लाइन ऐसी है बिना प्रयोग के कोई भी कार्य नहीं किया जाता है, चाहे किसी दवा का आविष्कार किया गया हो, चाहे कुछ भी प्रयोग के ऊपर सभी आधारित होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रिविलेशन यानी कि श्रुति। श्रुति का संबंध धार्मिक ज्ञान से होता है। धार्मिक ज्ञान के लिए श्रुति महत्वपूर्ण स्रोत है, चाहे भारत हो चाहे दूसरे देश हो, ज्ञान के धार्मिक ग्रंथों का आधार श्रुति है। हमारे ऋषि मुनियों तथा गुरुओं को दिव्य व अलौकिक शक्तियों से ज्ञान प्राप्त होता है या होता था, जो बाहरी कानों से नहीं सुना जा सकता अपितु अंतःकरण से सुना जा सकता है। ये ज्ञान काल और देशों की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं होता, ये सार्वभौमिक होता है तथा इसमें से किसी प्रकार का परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता। श्रुति का फिर से कहना ये उचित ही रहेगा कि ज्ञान संबंध एक धार्मिक ज्ञान से होता है और उसको वास्तविक माना जाता है। इस प्रकार से ज्ञान के स्रोतों के अंतर्गत हमने देखा यानी कि सोर्सेज ऑफ नॉलेज, इंद्रिय अनुभव ज्ञान, सेंसरी एक्सपीरियंसेस, तर्क बुद्धि, रीजनिंग, शब्द अथवा आप्त वचन, वर्बल टेस्टिमनी और ऑथोरिटी, अंतः प्रज्ञा, प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल श्रुति, रेविलेशन, ये सब ज्ञान के स्रोत हैं। और भी ज्ञान के अनेक स्रोत हो सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति को जहाँ से भी ज्ञान प्राप्त हो वही ज्ञान का स्रोत कहलाएगा, लेकिन वास्तविक स्रोत यही है, क्योंकि इसके भेद हो सकते हैं। जो भी ज्ञान बताए गए हैं जैसे कि इंद्रिय अनुभव, तर्क बुद्धि, शब्द अथवा आत्मवचन, अंतःप्रज्ञा, प्रयोगात्मक और श्रुति, इनके भेद हो सकते हैं, भेदों के अंतर्गत को भेद हो सकते हैं और ज्ञान विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किए जा सकते हैं और किए जाते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। धन्यवाद।